हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग एक और रिकरेंस रिलेशन को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी भी रिकरेंस रिलेशन को, मतलब हम लोग को अगर हम लोग किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते उसका। उस रिकर्सिव रिलेशन को हम लोग को पहले रिकरेंस रिलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और जिसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास तीन रास्ते हैं, या तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर ले, या फिर हम लोग रिकरेंस ट्री मेथड से सॉल्व कर ले, या फिर मास्टर मेथड से सॉल्व कर ले। तो हम लोग को किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिदम को रिकरेंस रिलेशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस भी हम लोग देख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख चुके हैं। आज हम लोग रिकरेंस ट्री मेथड को देखेंगे और इस वाले एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। सो ये सेम चीज जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैं उसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सो देखो, यहाँ पे रिकरेंस ट्री मेथड में क्या करना पड़ता है ना, हमें पता है कि हमारा जो रिकरेंस रिलेशन, हमारा जो टी ऑफ एन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और इसमें हम जैसे ही हमने इसके फाइंड आउट करने के लिए गए, ये टी ऑफ एन बाई टू को कॉल कर रहा है। कितनी बार कॉल कर रहा है? दो बार कॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी के साथ जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है ना, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर ये तीन हो सकता है, चार हो सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो बार कॉल कर रहा है और एक उसके साथ ही जो है उसके एक और एक कॉस्ट है एन। तो हमें पता है ये इस तरीके का जो है ऐसा कुछ होता होगा हमारे पास, जैसे टी ऑफ एन हमारा कोई एल्गोरिदम है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमने एक फॉर लूप है जो कि आई इक्वल टू वन से लेकर के एन तक चल रहा है आई प्लस प्लस पे, ठीक है। और ये यहाँ पे समझ लेते हैं कि कुछ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारे पास कुछ स्टार प्रिंट कर रहा है सपोज, और उसके बाद फिर ये टी ऑफ एन बाई टू और टी ऑफ एन बाई टू को कॉल कर रहा है दो बार, ठीक है। तो इस वाले को की रिकरेंस रिलेशन हो गई ये वाला हमारा, ठीक है। तो ये जो एन हुआ, ये क्या हुआ, टाइम हुआ, एन यूनिट ऑफ टाइम लेगा। हम लोग फॉर लूप के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये फॉर लूप एन यूनिट ऑफ टाइम लेगा और उसके बाद टी ऑफ एन बाई टू टी ऑफ एन बाई टू को कॉल कर रहा है दो बार। तो हम लोग जो है इसको जो है ट्री फॉर्म में लिखेंगे। ट्री फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले हमारा टी ऑफ एन बाई एन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टी ऑफ एन बाई टू एक बार, और फिर दूसरी बार फिर से ये टी ऑफ एन बाई टू को कॉल किया है, ठीक है। और तीसरी बार क्या है, हमारा तीन चीज था ना, टी ऑफ एन बाई टू को कॉल करना दो बार और एन यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, एन यूनिट ऑफ टाइम जो फॉर लूप का हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो फॉर लूप के लिए एक एन यूनिट, तो ये था हमारा जो एक हमने बनाया। अब इसके बाद हम लोग और ट्री को डिवाइड करेंगे फर्दर। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो देखो, ये जो एन बाई टू है, जैसे हमारा टी ऑफ एन है, ये हमने तीन तीन में डिवाइड किया, ये एक, ये दो और ये तीन। तो टी ऑफ एन बाई टू भी हमारा तीन में हमारा डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखो, जब फर्स्ट में ये डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, टी ऑफ, जब हमारा टी ऑफ एन था तो एन की जगह पे हमारा एन बाई टू आया, तो अब जब एन बाई टू है तो एन बाई टू के डिवाइडेड बाई टू करेंगे, क्या आ जाएगा, एन बाई फोर, ठीक है ना। एन की जगह पे एन बाई टू पुट करो, क्या आ जाएगा हमारे पास, एन बाई फोर, एन बाई फोर, ठीक है। और ये भी हमारा एन बाई फोर दो बार कॉल होगा, तो एन टी ऑफ एन बाई फोर, टी ऑफ एन बाई फोर। और यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, एन है, ठीक है ना, ये एन आया था दो बार, ये कॉल कर रहा है एन बाई टू को, और उसके बाद ये एक जो टी ऑफ एन है ये सिर्फ एन एन यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, तो एन बाई टू है तो सिर्फ एन बाई टू लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, एन बाई टू। और सिमिलरली इस तरफ में भी होगा, टी ऑफ एन बाई फोर और इधर भी टी ऑफ एन बाई फोर, और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिर्फ एन बाई टू, ठीक है ना। अब एक बार हमने एक लेवल के लिए निकाला, देखो ये ऐसा नहीं कि एक दो तीन लेवल हम लोग ऐसा बोले कि तीन लेवल के लिए निकाल लिया, ये वाला और ये चीज तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अभी तक तो हमने सिर्फ एक लेवल के लिए निकाला है, एक और लेवल के लिए, दो लेवल के लिए जो हम लोग निकाल लेंगे उसके बाद फिर हम लोग करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप लोग को याद है हम लोग क्या करते थे, एक से ज्यादा दो बार के लिए निकाल लेते। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, तो टी ऑफ एन बाई फोर है, टी ऑफ एन बाई फोर डिवाइडेड बाई टू करेंगे, क्या हो जाएगा, एन बाई फोर इंटू वन बाई टू, क्या होगा, एन बाई एट, ठीक है। तो ये किस तरीके से डिवाइड होगा, ये होगा एन बाई एट, ये भी होगा हमारा टी ऑफ एन बाई एट, और ये एक बार खुद को कॉल करे यानी कि सिर्फ एन बाई फोर। सिमिलरली यहां पे भी टी ऑफ एन बाई एट, टी ऑफ एन बाई एट, और उसके बाद ये एन बाई फोर, ठीक है। और सेम चीज जैसा लेफ्ट लेफ्ट साइड में है वैसा सेम चीज जैसा यहाँ पे इसके लिए हुआ, सेम चीज हमने अब इसके लिए भी लिख लेना है। तो इसको एक बार अच्छे से फ्रेश में लिख लेती हूँ मैं। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे ठीक से यहाँ पे लिख दिया है, टी ऑफ एन जो है तीन में डिवाइड हो रहा है, टी ऑफ एन बाई टू, टी ऑफ एन बाई टू और एन।
टी ऑफ एन बाई टू डिवाइड हो रहा है टी ऑफ एन बाई फोर, टी ऑफ एन बाई फोर और टी ऑफ एन बाई टू। सिमिलरली यहां पर भी वही से तीन बार डिवाइड हो रहा है। अब जैसे टी ऑफ एन बाई फोर आया तो ये टी ऑफ एन बाई एट और एन बाई फोर में डिवाइड हो रहा है, फिर यहां पर भी सेम और इस तरीके से। तो यहां पे एक चीज ना नोटिस करने की है कि लेवल ऑफ द ट्री ना हर तरफ सेम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे है ना ऊपर, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये जो है बस यहीं तक आ रहा है, इसका लेवल बस यहाँ पे टू तक है तो ये आगे बढ़ जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एन बाई फोर है, यहाँ भी एन बाई फोर है, यहाँ भी, यहाँ एन बाई एट है, यहाँ भी एन बाई एट, हर तरफ जो है एन बाई एट है। तो लेवल ऑफ द ट्री जो होगा ना वो एंड तक जो है सेम रहेगा, ठीक है, ये चीज नोटिस करने की है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि ये कभी ना कभी ये चीज जो है रिकर्सन खत्म होगा। कब खत्म होगा? जब हमारा t ऑफ n इक्वल टू वन हो जाएगा। कब होगा? n इक्वल टू वन पे। देखो ये चीज हमें पता है कि हमारा एंड पॉइंट दिया हुआ है t ऑफ n इक्वल्स टू वन, कब? जब n इक्वल टू वन होगा। अब हम लोग इस n की जगह पे वन पुट कर दो तो क्या है हमारे पास है t ऑफ वन इक्वल टू वन, t ऑफ वन इक्वल टू वन हमारे पास गिवन है। तो ये क्या होगा हमारा t ऑफ वन तक जाएगा, ठीक है, टी ऑफ वन। अब टी ऑफ वन क्या होगा यहाँ पे अगर हम लोग इसको पैटर्न समझे तो क्या था यहाँ पे, ये एन बाई टू, ये एन बाई टू का स्क्वायर, ये है हमारा एन बाई टू का क्यूब। तो जो एंड होगा हमारा टी ऑफ वन होगा, टी ऑफ वन वो क्या होगा हमारा टी ऑफ टू टू दी एन बाई टू टू दी पावर के होगा, है ना, ये एन है, एन क्यूब क्योंकि यहाँ पे हर बार एन 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 आ रहा है तो एन और डिवाइड बाई टू टू दी पावर के। तो ये चीज सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी पढ़ा था। अब देखो ये एक किसी टाइम पे क्या हो जाएगा t ऑफ n डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर k, ठीक है, इस तरीके से जो के होगा t ऑफ वन, t ऑफ वन, ठीक है, सेम, ठीक है ना, ये एंड होगा, एंड लास्ट वाला जो हमारा लेवल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है n बाई टू टू दी पावर k इक्वल टू वन, क्योंकि ये n बाई टू टू दी पावर k तक चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, देखो अब हम लोग क्या करते हैं इसको निकाल लेते हैं, जैसे कि एज्यूम n डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर के इक्वल टू वन, ठीक है ना, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि टू एन एन बाई टू टू दी पावर के इक्वल टू वन है, वही लिखा हमने। अब यहाँ पे क्या होगा n इक्वल टू 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 दी पावर के क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो लॉग n, ये हो जाएगा k लॉग टू। अब इसका बेस टू, बेस टू अगर माने तो हो जाएगा k इक्वल टू लॉग n, ठीक है। k की वैल्यू हमने निकाल ली। k की वैल्यू निकालने का फायदा क्या हुआ, ये तो t ऑफ n, t ऑफ n तक आ रहा है। जो हम हमारा रिकर्शन ट्री मेथड हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग हर एक लेवल पे तो देखेंगे कॉस्ट कितना हो रहा है, लेकिन हम लोग हाइट ऑफ द ट्री भी देखेंगे कि कहां तक जा रहे हैं, वो ट्री कब स्टॉप होगा। तो ट्री स्टॉप तो हो रहा है टी ऑफ वन पर, यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, जिसको हम लोग पैटर्न से समझे कि एन बाई टू टू दी पावर के पे हो रहा है, और के की वैल्यू हमने निकाल ली लॉग ऑफ एन, ठीक है। अब हाइट ऑफ द ट्री देखें तो हमें पता है कि टू टू दी पावर के तक जा रहा है, तो के की वैल्यू यहाँ पे हमारी लॉग ऑफ एन आ गई है। अब हमारे पास हर एक लेवल पे कॉस्ट कितना आ रहा है, देखो ये वाला जब टी ऑफ एन था, अभी ये सब ना, ये वाला जो चीज है ये सब भूल जाओ, सिर्फ इस वाले पे देखो, इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे जब टी ऑफ एन था तो हमारा जो एल्गोरिदम किस तरीके से कॉल हुआ, टी ऑफ एन निकालने गए तो टी ऑफ एन बाय टू, टी ऑफ एन बाय टू को कॉल कर दिया और एन यूनिट ऑफ टाइम लगा फॉर लूप के। अभी हमने एग्जांपल लिया था, फॉर लूप चला, एन यूनिट ऑफ टाइम लिया और बाकी जो है दो को कॉल कर दिया, तो दोनों को कॉल कर दिया तो कॉल करके छोड़ दिया, वो तो एक एक यूनिट ऑफ टाइम था, वो तो हट गया उसको, ये दोनों तो नेग्लिजिबल हो गए। कॉल किया मतलब वन यूनिट ऑफ टाइम, फिर इसको कॉल किया वन यूनिट ऑफ टाइम। ये जो एन यूनिट ऑफ टाइम है ये हमारा इस वाले लेवल की जो है एसिम्प्टोटिक हमारा कॉस्ट होगा। तो इस वाले लेवल पे कॉस्ट क्या आई हमारी एन। सिमिलरली इस वाले लेवल पे क्या आई, ये तो हमारा कॉलिंग फंक्शन है, कॉल कर रहा है, ये वाली हमारी कॉस्ट है, ये कॉलिंग फंक्शन ये हमारी कॉस्ट है। तो ये क्या है हमारी n बाई टू प्लस n बाई टू इक्वल टू n। उसके बाद हमारा अगर इस वाले लेवल पे देखे तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे कहाँ पे हमारा कॉस्ट आ रहा है, n बाई फोर और n बाई फोर, चार बार n बाई फोर है हमारे पास, मतलब चार बार हमारे पास क्या है n बाई फोर है। तो यहां पर से भी क्या आया n। तो हम लोग को दिख रहा है कि सारा ही लेवल में n n n n करके कॉस्ट आ रहा है। तो जो हमारा लास्ट वाला जो लेवल रहेगा जहां पे हमारा t ऑफ वन आ जाएगा, ठीक है ना, t ऑफ वन यानी कि t ऑफ टू n बाई टू टू दी पावर k रहेगा, इस वाले लेवल पे भी क्या होगा हमारा n ही रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। तो इस फर्स्ट वाले लेवल पे जब फंक्शन ने एक बार कॉल किया तो n यूनिट ऑफ टाइम लगा, दोबारा टाइम कॉल किया तो फिर से n, तो दो बार के लिए क्या है n प्लस n, 2n हो जाएगा टाइम। लेकिन हमारा हमें पता करना है हाइट ऑफ द ट्री, कितनी बार कॉल किया। तो हम मान लेते हैं कि जिसे हमने यहाँ पे माना था k यूनिट,
तो के बार कॉल कर रहा है, तो हमारा लेवल ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, एन इंटू के, सॉरी लेवल ऑफ द ट्री है हमारे पास अगर के और हर एक लेवल पे एन एन यूनिट आ रहा है, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन इंटू के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन इंटू के, हर एक लेवल पे आ रहा है एन और लेवल हमने माना है के तक। ठीक है, तो एन इंटू के और के की वैल्यू हमने निकाली है लॉग एन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस वाले रिकरेंस रिलेशन का। इसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, कोई सा भी मेथड से सॉल्व करो सेम आंसर आएगा। यहाँ पे बस क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं और हर एक लेवल का कॉस्ट देख करके हम लोग क्या करते हैं, लेवल ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री निकालते हैं। हाइट ऑफ द ट्री कहाँ तक है उसको निकाल करके हर एक लेवल पे जो भी हमारा टाइम आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल करके आ जाएगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।